नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 80 मदरसों को 100 करोड़ की तगड़ी फंडिंग। कहां से आया इतना पैसा और किन पर हुआ खर्च? जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में मदरसों से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यूपी में 80 ऐसे मदरसों की पहचान की गई है जिन्हें पिछले 2 साल में करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। जांच में सामने आया कि सारा पैसा विदेश से मदरसों को भेजा गया है। इस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT पैनी नज़र बनाए हुए है और इस बात की जाँच की जा रही है कि ये पैसा किसने भेजा है, कहाँ से आया है और किस किस काम में खर्च हुआ है। इससे जुड़ी हर एक बात का पता SIT की टीम लगा रही है। SIT की टीम ने जब मदरसों के फाइनेंशियल सोर्स की जांच की तब ये बड़ा खुलासा हुआ। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि SIT अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मदरसों को मिले इन फंड्स को किस किस काम में खर्च किया गया और क्या इसमें कोई गड़बड़ी है। बता दें कि यूपी में लगभग 24,000 मदरसे हैं जिनमें से 16,500 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से मान्यता प्राप्त है। SIT को लीड कर रहे ATS के ADG मोहित अग्रवाल ने कहा कि हम देखेंगे कि विदेशी फंडिंग के जरिए मिले पैसे को कैसे खर्च किया गया। हमारा काम ये देखना है कि क्या पैसों का इस्तेमाल मदरसों को चलाने के लिए किया जा रहा है या किसी अन्य एक्टिविटी के लिए ये पैसा खर्च हो रहा है। जांच पूरी होने के लिए अभी तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक SIT पहले मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड मदरसों का डेटा मांग चुकी है। को बताते चले, लखीमपुर खीरी पीलीभीत श्रावस्ती सिद्धार्थनगर और बहराइच के अलावा नेपाल सीमा से सटे कई अन्य इलाकों में 1,000 से ज़्यादा मदरसे चल रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि इन इलाकों में पिछले कुछ सालों में मदरसों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। इसके अलावा इन मदरसों को विदेशी फंडिंग मिलने की भी जानकारी मिली थी जिसके बाद SIT का गठन किया गया था। अल्पसंख्यक विभाग की जांच में ये पता चला है कि कई मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही थी। हाल ही में ATS ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो बांग्लादेशी नागरिकों रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ कराने वाले गिरोह में शामिल थे। फिर जांच में पता चला कि दिल्ली में एक NGO है जिसके जरिए 3 साल में करीब 20 करोड़ रुपए का विदेशी फंडिंग से मिले थे। इस पैसे का इस्तेमाल अवैध घुसपैठ कराने के लिए किया जा रहा था। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट।